हेलो एवरीवन, बूलियन अलजेब्रा के टॉपिक में आज हम देखेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स। सो बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर हम तीन डिफरेंट टाइप्स के गेट्स को कवर करेंगे। पहला है नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। उसके बाद है इसमें और गेट एंड फाइनली एंड गेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर। सो व्हाट इज अ गेट, व्हाट इज अ लॉजिक गेट? अ गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। तो गेट क्या है? एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट है जिसमें आप दो या एक से ज़्यादा सिग्नल्स देते हो एज ए इनपुट, और उसके बाद उसमें ये कुछ आउटपुट आता है। ये जो गेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं डिजिटल गेट्स, या फिर गेट्स आर डिजिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गेट्स हैं दे आर टू स्टेट सर्किट्स। तो जो गेट्स होते हैं, पहली बात तो ये जो गेट हैं ये होते हैं टू स्टेट सर्किट, और इसी कारण से इनको हम डिजिटल सर्किट्स बोलते हैं। तो गेट्स आर डिजिटल का मतलब क्या हुआ कि दे हैव टू स्टेट्स। और कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं इसमें? या तो आपका लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज का मतलब है जीरो, या फिर हाई वोल्टेज होगा, और हाई वोल्टेज का मतलब होता है वन। सो इसका मतलब है कि जो गेट्स होते हैं उसमें या तो जीरो वैल्यू हो सकती है या फिर वन, और ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इनपुट और आउटपुट दोनों पे एप्लीकेबल हैं। सो इनपुट और आउटपुट, इसका मतलब एक लॉजिक गेट के अंदर आप या तो जीरो इनपुट दे सकते हो या फिर वन इनपुट दे सकते हो। ऐसी एक लॉजिक गेट का जो आउटपुट होगा या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से गेट्स जो है वो डिजिटल होते हैं। नाउ देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, इन्वर्टर और एंड एंड गेट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इन्वर्टर और नॉट गेट। सो व्हाट इज ए इन्वर्टर और नॉट गेट? इट इज द गेट विद ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल। इन्वर्टर या फिर नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक इनपुट सिग्नल होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है, और जो आउटपुट होता है वो हमेशा इनपुट से अपोजिट होता है। मतलब अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन होगा, अगर इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो होगा। तो हर लॉजिक गेट में आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका सिंबल और उसकी ट्रुथ टेबल। तो नॉट गेट का सिंबल कैसे होता है? नॉट गेट का सिंबल ये है, जिसमें अगर आप इनपुट दे रहे हो एक्स तो आउटपुट आपको मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे शो करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, तो ये है नॉट गेट का सिंबल। देन वी हैव द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। अब देखो, सबसे पहले तो आपको इनपुट, ये इनपुट है, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं हमें इनपुट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे हमारे पास? सिर्फ दो। कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स की वैल्यू है तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। अब नॉट गेट क्या कर रहा है, वो इनपुट को अब इनवर्स कर रहा है, उसका अपोजिट आउटपुट में दे रहा है। दैट मीन्स अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा? वन। और अगर इनपुट वन है तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। बहुत सिंपल है इसकी ट्रुथ टेबल को याद करना, बस जो इनपुट है उसका अपोजिट आउटपुट होता है। द सेकेंड गेट इज और गेट। Now OR gate has two or more input signals but only one output signal. OR gate में दो या दो से ज़्यादा input signal होते हैं और एक ही output signal होता है। और इसकी क्या condition है output high की? If any one of the input is high then the output is one. कि अगर दो या दो से ज़्यादा signal जब हम input में दे रहे हैं और उन signals में से किसी भी एक signal के अंदर अगर input one है तो output भी आपका one होगा। क्लियर है और गेट का? अब देखते हैं कि और गेट का सिंबल क्या होता है। सो और गेट का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, जनरली हम दो इनपुट्स के लिए बनाते हैं, और जो और गेट का सिंबल है वो ऐसे होता है। यहाँ पे इनपुट है ए और बी, और आउटपुट आपको मिलता है एफ, और एफ को हम लिखते कैसे हैं ऐसे, एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। प्लस का मतलब होता है और,
ठीक है, अगर तीन इनपुट के लिए बनाना है तो कैसे बनाओगे? एक दो तीन, सपोज ये है एक्स वाई एंड जेड और आउटपुट है आपका एफ। इस केस में एफ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये और गेट का सिंबल है। अब ट्रुथ टेबल बनानी है और गेट की, दो इनपुट्स के लिए बना रहे हैं हम एक्स और वाई। दो इनपुट्स हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? फोर, 2 की पावर n करेंगे और n यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, विच इज 2। तो कॉम्बिनेशन पहले लिख लेते हैं इसके। कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज 1। तो यहाँ पे देखो 0 0 दोनों का इनपुट लो है तो आउटपुट भी लो रहेगा। 0 1 एक का इनपुट 1 है तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। 1 0 1 दोनों का इनपुट 1 है तो भी आउटपुट आपका 1 आएगा। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। सिमिलरली आप 3 4 5 वेरिएबल्स के लिए भी ट्रुथ टेबल को बना सकते हो OR गेट। सो दिस इज अबाउट द OR गेट। नाउ लेट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AND गेट। AND गेट, AND गेट ऑल्सो हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट सिग्नल। तो जस्ट लाइक OR गेट, AND गेट के अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं और वो एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। बट AND गेट की कंडीशन क्या होती है कि जब सारे इनपुट 1 होते हैं, सारे इनपुट हाई होते हैं, तभी आउटपुट आपका 1 होता है, अदरवाइज आउटपुट आपका 0 होता है। जबकि OR गेट में हमने क्या देखा था कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा, बट AND के केस में सारे इनपुट 1 होने चाहिए तभी आउटपुट आपका 1 आएगा। तो सिंपल देख लेते हैं सबसे पहले तो AND गेट का। दो वेरिएबल्स के लिए AND गेट हम ऐसे बनाते हैं। इनपुट है ए और बी और आउटपुट आ रहा है एफ। एफ क्या होगा? ए डॉट बी, वेयर डॉट डिनोट्स एंड ऑपरेशन। डॉट का मतलब होता है एंड ऑपरेशन। ऐसी अगर तीन के लिए बनाना तो आपको कैसे बनाओगे? ऐसे सपोज ये है एक्स वाई और जेड। तो अब इस केस में एफ कितना हो जाएगा? एफ विल बी एक्स डॉट वाई डॉट जेड। सो ये सिंबल है एंड गेट का। ट्रुथ टेबल बनाते हैं एंड गेट की। दो इनपुट्स के लिए बना रहे तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट में 4 आएंगे। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखो आउटपुट कब हाई होगा? जब दोनों इनपुट हाई हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं एंड में, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट इज 1। सो 0 0 दोनों इनपुट 0, आउटपुट इज 0। 0 1 वन इनपुट इज 0, सो आउटपुट इज 0। 1 0 वन इनपुट इज 0, सो आउटपुट इज 0। 1 1 बोथ द इनपुट्स आर नाउ 1। अब यहाँ पे दोनों इनपुट आपके 1 है, सो द आउटपुट विल बी 1। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव कवर्ड इज बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स में हमने कवर किया है नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, जिसमें कि अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1। उसके बाद हमने इसमें कवर किया है OR गेट। OR गेट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट आपका 1 होता है। देन AND गेट, AND गेट में क्या होता है? जब सारे इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट आपका 1 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक लॉजिक गेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।